नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार, हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु के अनुसार घर या भवन में बनी सीढ़ियों के नीचे कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आजकल के समय में दोस्तों, चाहे घर हो, दुकान हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, आदि सभी में भवन की छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ जरूर बनाई जाती हैं। किसी भी घर या भवन का निर्माण सीढ़ियों के निर्माण के बिना अधूरा माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, अगर सीढ़ियों को वास्तु के नियमों अनुसार बनाया जाए तो यह सीढ़ियाँ हमारे लिए हमेशा ही कामयाबी और सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं। लेकिन अगर इन्हें गलत दिशा और गलत स्थान पर बनाया जाए तो यह गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। इसी तरह दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर सीढ़ियों के नीचे कुछ गलत चीज़ों का निर्माण किया जाए या कुछ गलत चीज़ें रखी जाएं तो यह भी एक गंभीर वास्तु दोष माना जाता है। इस दोष के कारण भी मनुष्य को अपने जीवन में तरक्की की बजाय कई तरह की समस्याओं और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें वास्तु के अनुसार सीढ़ियों के नीचे रखना या बनाना अशुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु के अनुसार घर या दफ्तर में बनी सीढ़ियों के नीचे कौन कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे शौचालय और स्नानघर कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो इससे परिवार के सदस्यों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे घर में कई रोग आ सकते हैं। दूसरा, इससे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है और इससे घर में धन की कमी हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे शौचालय स्नानघर कभी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे हाथ धोने के लिए वाश बेसिन, नल, फिश एक्वेरियम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो जल से संबंधित हो वह भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी घर के सदस्यों को धन एकत्रित करने में काफ़ी परेशानी आती है और इससे घर की शुभता में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे जल से संबंधित भी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, घर या दफ्तर में बनी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर या मंदिर भी कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों से होकर छत पर जाता है तो मानो वह पूजा घर के ऊपर से पांव को रखकर जाता है, जिससे भगवान का अपमान होता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ियों के नीचे पूजा घर या मंदिर बनाता है तो उसके जीवन में परेशानियां ही परेशानियां रहती हैं। उस व्यक्ति के घर में बेवजह का क्लेश होता रहता है, जिससे उसके परिवार के सदस्यों को मानसिक शांति का भी सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही घर में धन की हानि भी होती रहती है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे पूजा घर या मंदिर कभी नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, आप सीढ़ियों के नीचे भगवान या मृतक पूर्वजों की तस्वीरें भी कभी ना टांगे, क्योंकि ऐसा करना भी वास्तु के अनुसार अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, रात को सोते समय आपका बेड या दिन में काम करते समय आपके बैठने का स्थान भी सीढ़ियों के नीचे कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ियों के नीचे बैठकर काम करने या रात को सीढ़ियों के नीचे बेड लगाकर सोने वाले व्यक्ति के सिर पर हमेशा बोझ बना रहता है। वह अपने आप को दबाव में महसूस करता है और कई बार ऐसे व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को ना तो रात को सीढ़ियों के नीचे बेड को लगाकर सोना चाहिए और ना ही उसे दिन में सीढ़ियों के नीचे बैठकर कोई काम करना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे धन रखने की अलमारी या तिजोरी भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि तिजोरी लक्ष्मी जी का निवास स्थान है। अगर कोई व्यक्ति तिजोरी या धन रखने की अलमारी को सीढ़ियों के नीचे रखता है तो इससे लक्ष्मी जी का अपमान होता है। इसलिए दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे तिजोरी या धन रखने की अलमारी भी कभी नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों, सीढ़ियों के नीचे किचन या रसोई घर कभी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में आर्थिक तंगी आती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि जब भी कोई व्यक्ति इन सीढ़ियों से होकर छत पर जाता है तो मानो वह अनाज के ऊपर से पैर रख के ही जाता है, जिससे अन्न के देवता का अपमान होता है। इसके अलावा दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है कि सीढ़ियों के नीचे बने किचन में भोजन बनाने से किचन में बनने वाला भोजन भी अपने पौष्टिक तत्व खो बैठता है। इसलिए दोस्तों, किचन या रसोईघर को सीढ़ियों के नीचे बनाना भी उचित नहीं माना जाता है।
वास्तु के अनुसार दोस्तों सीढ़ियों के नीचे आग से जुड़ा कोई भी सामान जैसे इन्वर्टर, जनरेटर, एसी, वाटर कूलर, मसाला या आटा पीसने की घरेलू चक्की आदि चीज़ें भी कभी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार ऐसी चीज़ों को सीढ़ियों के नीचे रखना भी वास्तु दोष माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पलों और कांटेदार पौधों के गमलों को भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन्हें सीढ़ियों के नीचे रखना भी अशुभ माना जाता है। दोस्तों इसका कारण यह है कि इन चीज़ों को सीढ़ियों के नीचे रखने से घर में नकारात्मकता आती है और इनसे घर की शुभता में भी कमी आती है। इसलिए दोस्तों सीढ़ियों के नीचे जूते, चप्पलों और कांटेदार पौधों के गमलों को रखने से भी हमेशा बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार दोस्तों सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कचरा भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए और ना ही इस स्थान पर कभी कूड़ादान या डस्टबिन रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर कचरा और कूड़ादान रखने से यहाँ पर मक्खी, मच्छर और रोगाणु पनपने लगते हैं, जिससे घर के सदस्यों और बच्चों के स्वास्थ्य में उतराव चढ़ाव आता रहता है और इससे घर में नकारात्मकता भी आने लगती है। इसलिए दोस्तों सीढ़ियों के नीचे कचरे और कूड़ेदान को रखने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सीढ़ियों के नीचे किसी भी प्रकार का कबाड़ या बेकार का सामान भी कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थान पर कबाड़ आदि को रखने पर इसमें नकारात्मक ऊर्जाएं छुपी रहती हैं, जिससे घर में तनाव, रोग, क्लेश और लड़ाई झगड़े होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों सीढ़ियों के नीचे कबाड़ या बेकार की चीज़ों को भी कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।